तो आज हम चर्चा करने वाले हैं श्रीमती राधा रानी का इस पृथ्वी पर प्राकट्य कैसे हुआ। तो कल राधा अष्टमी है, तो राधा रानी का जो आविर्भाव दिन कल पूरे विश्व में मनाया जाएगा। तो जब ये राधा रानी का जो प्राकट्य हुआ था, तो ये कथा जो है अलग अलग कल्पों में अलग अलग प्रकार से जो है इसका वर्णन आता है। कई बार आपने सुना होगा कि जो ऋषभानु महाराज हैं उनको वे नदी में मिले, या कई जगह पर मिलता है, कई पर्वत के पुत्री हैं, या अलग अलग जगह पर अलग अलग ऐसे अलग अलग जो है उनके आविर्भाव के जो है कथाएं आती हैं। तो उनमें से हम दो कथाएं आज देखेंगे। तो ये जो है गर्ग मुनि की पुत्री जो गार्गी है के प्रति पूर्णमासी देवी जो है वो जो है श्रीमती राधा रानी के बारे में आविर्भाव के बारे में जो है उसके बारे में बोलती है। पूर्णमासी कौन है? ये योग माया है। जनरली देखते हैं, बहुत बार आपने पढ़ा होगा जो कृष्णा बुक है उसमें कि पूर्णमासी जो सबसे ओल्ड सबसे जो है अनुभवी जो है स्त्री, जब भी किसी को समस्या होती है कोई प्रश्न होता है तो सभी लोग जो है पूर्णमासी के पास जाते हैं। तो जो श्री रूप गोस्वामी हैं उनने बहुत सारे अलग अलग ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन जो श्रीमद् भागवत या भागवत गीता में श्रीमती राधा रानी का वर्णन कहीं पर भी आया नहीं है, उसका कारण हम देखेंगे। तो रूप गोस्वामी जो है ललित माधव, श्री ललित माधव इस ग्रंथ में जो है राधा रानी के आविर्भाव के विषय में वर्णन किया गया है। तो पूर्णमासी सब कुछ जानती थी, लेकिन वे जो है वो सबको बताती नहीं है। तो सभी जो भगवान की लीला है उनके आयोजन एवं प्रबंधन या व्यवस्था करना जो है उनका कार्य था, उनका सेवा थी। तो ये रहस्य जो है, ये रहस्य जो ये पूर्णमासी है सिर्फ दो लोगों को बताया था उन्होंने, एक माता यशोदा और एक माता रोहिणी, इन दोनों को ही इस रहस्य के बारे में उन्होंने बताया था। तो अभी देखते हैं कि कैसे श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य हुआ। तो विंध्य पर्वत जो हिमालय पर्वत से ईर्ष्या रखने लगा, विंध्य पर्वत अलग है हिमालय पर्वत अलग है, तो पर्वत पर्वत में भी जो है ईर्ष्या होने लगी। तो उसका कारण भी है क्योंकि ईर्ष्या जो है विदाउट रीजन होता नहीं है ना। तो ये हिमालय पर्वत की पुत्री, पता है आपको क्या नाम था? पार्वती। तो पार्वती का ब्याह जो है किनके साथ हुआ? शिव जी के साथ। तो शिव जी को दामाद के रूप में हिमालय ने प्राप्त किया। अभी विंध्य पर्वत की इच्छा हुई कि अगर मैं जो उनकी बेटी अगर हुई तो उनको ऐसे व्यक्ति के साथ शादी करवाना है जो हिमालय के दामाद से भी शक्तिशाली होगा। सब जगह ऐसा होता है ना। हाँ, तो पर्वत पर्वत में भी ऐसी ईर्ष्या होने लगी तो उसका दामाद ऐसा है तो मेरा दामाद उससे भी ज्यादा शक्तिशाली या फेमस होना चाहिए, है ना, ऐसा होता है। तो ऐसे फिर इन्होंने इच्छा व्यक्त की इसने विंध्य पर्वत में कि मुझे भी ऐसे भाग्यशालिनी पुत्री होनी चाहिए जो शिव जी जिसके पति जो है वो शिव जी को युद्ध में हराए। अभी शिव जी को युद्ध में हराने वाला उस समय अगर आप देखोगे देवों में तो ऐसा कोई नहीं था, लेकिन अभी उन्होंने इच्छा इच्छा कर ली और वे तपस्या करने लगे। तो तपस्या शुरू की उन्होंने और तपस्या कर कर जो है ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। अभी ब्रह्मा जी जो है प्रसन्न होकर बोले कि बस मांगो क्या चाहिए। तो फिर ऐसा बोलने के बाद विंध्य पर्वत बोले कि मुझे एक वरदान चाहिए। क्या वरदान? कि जो मेरा दामाद जो होने वाला है वो शिव जी को परास्त करे। अभी ब्रह्मा जी तथास्तु बोल दिए। तथास्तु बोलने के बाद सोचने लगे, अभी ब्रह्मा जी सोचने लगे मैंने क्या वरदान दे दिया। कई बार ब्रह्मा जी ने पहले भी किसको वरदान दिया था? हिरण्यकशिपु को दिया। बाद में टेंशन में आ गए ऐसे कैसे वरदान दे दिया मैंने। तो यहाँ पर भी ऐसे वरदान देने के बाद वे टेंशन में आ गए।
मैंने ऐसे तो वरदान दे दिया कि आपका दामाद ऐसा होगा जो शिव जी को हरा देंगे। अभी ब्रह्मा जी टेंशन में आ गए, और ब्रह्मा जी अभी कहाँ चले गए? कृष्ण के पास चले। कृष्ण को बोले कि मैंने ऐसे ऐसा वरदान दे दिया है, और मैंने उनको वरदान दे दिया मतलब वो पूरा होना चाहिए, अगर नहीं पूरा होता आपकी इज्जत चली जाएगी, है ना। भगवान इज्जत किसकी जाने वाली? भगवान की, क्योंकि भगवान ने उनको शक्ति दे रखी थी। पर ऐसा बोलने के बाद जो है वे वो सजेशन देते कि आप क्या करो, तपस्या करो, राधा रानी को प्रसन्न करो, वो डिसाइड करेंगे। तो ऐसा बोलने के बाद फिर ब्रह्मा जी कठोर तपस्या करते हैं, और कठोर तपस्या कर श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करते हैं। जब राधा रानी प्रसन्न हो जाती है तब ये बोलते हैं कि आप कृपया करके विंध्य पर्वत के बेटे के रूप में प्रकट होंगे क्या, रिक्वेस्ट करते हैं कि राधा रानी को तो ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। तो रिक्वेस्ट करने के बाद जो राधा रानी है वो तो ठीक है, मैं आ जाऊँ, तो राधा रानी तैयार हो गए। तो राधा रानी जो है उनका एक गुण यहाँ पर दिखाई देता है कि वे बहुत दयालु है, करुणामयी है। तो ऐसे करुणामयी जो राधा रानी है वे जो है बोली कि मैं ठीक है, मैं आ जाऊंगी। तो उसकी कहानी जो है सीधा अभी देखेंगे हम कैसा होता है। तो ये वृषभानु और चंद्रभानु ये दो भाई थे, तो उनके पत्नियां जो है वो गर्भस्थ थी। और अभी ये राधारानी और चंद्रावली जो है विंध्या पर्वत की जो पत्नी है उनके गर्भ में स्थानांतरित करने के लिए भगवान ने बोल दिया। तो योग माया जो है, या फिर जो राधारानी की प्रेरणा से योग माया जो है, इनके जो बच्चे हैं कौन? राधारानी और चंद्रावली, वे जो है इनके गर्भ में आ गए, विंध्या पर्वत के पत्नी के गर्भ में आ गए। और ऐसा फिर फलस्वरूप जो है विंध्या पर्वत के पत्नी को दो पुत्रियां जन्म, दो पुत्रियां जो है वो हो गई, और जन्म से ही बहुत सुंदर थी। राधा रानी का रूप जो है ये सबसे सुंदर है। और अभी ये जब यहाँ पर जन्म हुआ उसी समय इधर मथुरा में क्या हो रहा था? भगवान कृष्ण प्रकट हुए, ज्यादा दिन नहीं, उसके कुछ दिनों पहले, 15 दिन पहले भगवान यहाँ पर जन्म ले चुके थे। और वहां पर आप सबको पता है वो कथा, वसुदेव और देवकी की शादी हुई, और शादी होने के बाद जो है कंस जो है उनको लेके जा रहा था, लेकिन आकाशवाणी हो गई कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल बनेगा। जब ऐसा आकाशवाणी हो जाती है तो ये कंस जो है अपने बहन और बहनोई को कहाँ डाल देते हैं? जेल में डाल देते हैं, कारागार में डाल देते हैं। लेकिन नारद मुनि आकर क्या कर देते हैं पूरा, पहले तो डालने वाले नहीं थे, लेकिन बोला अरे पहला बच्चा तो 8वां बच्चा, लेकिन नारद मुनि आकर कमल दिखाते हैं, सब उसका दिमाग फिरा घुमा देते हैं, और वापस वही जो है उनको अंदर डाल देते हैं। तो फिर 8वां पुत्र हो गया था, और वे जो है कई दूसरी जगह पर चले गए। और जो दुर्गा देवी है, दुर्गा देवी क्या बोली कि एक अंश मूर्ख तुम्हें मारने वाला कहीं और दूसरी जगह पर जन्म ले चुका है। तो इसलिए कंस ने ऑर्डर दिया था कि जितने भी जो जन्म लिए हैं 10-15 साल, 10-15 दिन के बीच में, सबको ही मार देना, ऐसी घोषणा जो है उन्होंने कर दिया था। और ये जो है पूतना जो है वो सबको मार रही थी। तो ऐसा ये जो है चल रहा था, और कंस जो है जो योग माया है, जब उसके पहले ऐसा वर्णन आता है कि जब कंस जो है उस बेटी को या लड़की को मारने जा रहा था तो उसके हाथ से छूट जाती है और दुर्गा देवी के रूप में आ जाती है। तब वो बोलती है एक कंस तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझसे अधिक बलवती वो आकर्षणीय 8 महाशक्तियां जो है कल तक इस पृथ्वी पर प्रकट हो जाए। उनके नाम है राधा, चंद्रावली, ललिता, विशाखा, पद्मा, श्रव्या, श्यामला और भद्रा। तो भद्र पूर्णिमा है कल, कल भद्र पूर्णिमा है, उसके बाद जो है राधा रानी का भी आयुर्वाद दिन है, चंद्रावली भी उसी दिन जन्म लिए हैं। और जो ललिता, विशाखा, पद्मा, श्रव्या, श्यामला, जो बाकी जो शक्तियाँ या फिर जो राधा रानी के जो
अवतार हैं या एक्सपांशन हैं वे भी सब आजू बाजू में प्रकट हो जाते हैं। और इन आठों में से दो जो है उनके गुणों से ज्यादा प्रसिद्ध होंगी, और जो भी इन दोनों से विवाह करेगा वो सबसे अधिक शक्तिशाली या सौभाग्यशाली होगा। वो राजेंद्र होगा और इतना शक्तिशाली होगा कि वो युद्ध में महादेव तक को परास्त करेगा। तो देखिए यहाँ पर कैसे वो लिंक हो जाता है। एक तो विंध्य पर्वत जो है उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की थी, राधारानी प्रसन्न हो गई, और ये योग माया या फिर जो दुर्गा देवी हुई थी महामाया, तो ये महामाया ने जो है कंस को बता दिया, और यहाँ पर जो है वो वर्णन हो रहा आता है। तो ये सब कहकर जो है बाद में वो देवी चली गई और विंध्य पर्वत के लिए चल पड़ी वहां से। जब कंस जो है देवी से उपरोक्त बातें सुना तब उन्होंने पूतना को बोल दिया कि जितने भी नवजात नर शिशु को मारने को बोल दिया। अभी ये जो है क्या करता था पूतना, क्या करती थी वो, शिशु को तो मारती थी नर, लेकिन जो कन्या है उनका भी अपहरण करते थे। इतना ही नहीं, कंस ने बोला था कि बाकी लोगों को अपहरण करो और जो शिशु है नर है उनको मार दो। तो राजा कंस के आदेश अनुसार पूतना जब ऐसे नवजात शिशु की खोज रही थी तो उसे दो अत्यंत सुंदर कन्याओं को पाया, चंद्रावली और राधा रानी। इन दोनों को पाने देखा उन्होंने कि ऐसे ये बहुत ही सुंदर है, और विंध्य पर्वत जो है बहुत खुश हो गया था इधर उनके पत्नी ने दो सुंदर कन्याओं को जन्म दिया था। अभी उनको कन्या ही चाहिए थी, क्यों? क्योंकि हिमाचल पर्वत को दिखाना था उनका दामाद बहुत शक्तिशाली होगा, ऐसा कॉम्पिटिशन होता है ना कई बार, तो वैसे यहाँ पर जो है कॉम्पिटिशन हो रहा था। और अभी यहाँ पर जो है उनके पुत्रियों के लिए संस्कार का उत्सव आयोजित किया था कि पता चले सबको कि हमारे यहाँ पर पुत्रियाँ हो गई थी, और यज्ञ करते हैं जब ये संस्कार होते हैं, अलग अलग संस्कार होते हैं तो यज्ञ करना चाहिए। तो यज्ञ कर रहे थे और दोनों कन्याओं को उस यज्ञ स्थल पर रख दिया था, और एक ब्राह्मण जो है वो यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे, और पूतना जो है गगनचारी थी, खेचर या गगनचारी बोलते हैं, जो आकाश में घूम सकती थी किसी के बिना, विमान के बिना उसे उड़ सकती थी, घूम सकती थी। वैसे गगनचारी पूतना ने जब देखा कि सुंदर रूप होती कन्याओं को तो तत्काल उनको भूमि से उठा लिया, क्योंकि कंस ने बोला था कि इनका अपहरण जो भी कन्या देखते उनका अपहरण कर रहा है। यहाँ पर अभी अपहरण कर लिया, अभी ये तो विंध्य पर्वत जो है वो कैसे भी तो भाग रही है पूतना लेकर, तो अभी ये पीछे भागने के बजाय उन्होंने क्या किया, ब्राह्मण को बोला क्या मंत्र बोलो, क्या मंत्र बोलो, उस पूतना को पकड़ना है। तो मंत्रों में ऐसी शक्ति होती थी कि मंत्र बोलने से व्यक्ति को मारा जा सकता था, पकड़ा जा सकते थे। इंद्र वो अलग स्टोरी है, कभी हम देखेंगे इंद्र के बारे में, इंद्र ने बहुत सारे गलतियाँ की थी, तो उसके लिए फिर जो है अलग अलग ब्राह्मण, ब्राह्मण को जितना शक्ति थी वह मंत्रों से जो है वे किसी को भी वे जो है यज्ञ में डाल सकते थे, मार सकते थे। जैसे हमने देखा जन्मेजय, राजा जन्मेजय, तो उन्होंने ब्राह्मणों से ऐसे यज्ञ करवाए कि सब सांप जो है आकर कहाँ गिर रहे थे, यज्ञ कुंड में गिर रहे थे। तो वैसे यहाँ पर जो ब्राह्मण को बोला गया कि आप क्या करो, मंत्र पढ़ो जिसके कारण जो पूतना है वो मारा जाए। तो राजा के आज्ञा से तो उन्होंने ब्राह्मणगणों ने मंत्र पाठ करना चालू कर दिया, जिसके कारण आकाशचारी पूतना क्रमशः धीरे धीरे कमजोर होने लगी। सबसे पहले शक्ति कम होने लगते हैं, फिर शक्ति कम होने के बाद वो गिर जाती है। अभी दो छोटी शिशु थी वो ललिता से भी छोटी, कुछ ही दिन हुए थे उनको, तो ऐसा छोटी कन्या को पकड़ कर रखना भी उसके लिए कठिन हो रहा था, हालांकि इतनी बड़ी पूतना थी हमने कुछ दिनों पहले देखा। तो ऐसे वो लेके जा रही थी, इतनी कमजोर हो गए, और उसी समय जो है उसके हाथ से जो है एक कन्या नीचे गिर गई, नदी में फेंक दिया, जा रही थी नदी देखी उसने छोड़ दिया। तो वो नदी से बहते बहते वो विदर्भराज भीष्मक, जो भीष्मक हैं उनको प्राप्त हो गई, और 5 साल तक उनको उन्होंने पास रखा, तो वो थी चंद्रावली। तो उसी समय फिर जो जांबवन जी जो थे विंध्य पर्वत पर, तो उनको विंध्यराज ने बोल दिया कि जाओ विदर्भ राजा से आप उस पुत्री को लेके आ जाओ, तो जो है चंद्रावली नाम से सुख्यात हो गई। तो पूतना जब दूसरी कन्या को अपनी भुजा में लेकर उड़ रही थी तब ये मंत्र चल रहे थे,
क्योंकि ब्राह्मणों को पता चलता है कि अभी वो कब तक गया है, उसका शक्ति कितना कम हुआ है, कहाँ गिरेगा, तो फिर वो जो है मंत्र का प्रभाव से धीरे 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 और कमजोर होने लगे, और ब्रज में पहुँचते पहुँचते पता नहीं चला कि वो भूमि पे कब गिर पड़ी। तो उसी समय पूर्णमासी, जो थोड़ी देर पहले बताया कि पूर्णमासी जो है योग माया जो है उसने जो है उस कन्या को पूतना से लेकर मुखरा को देते हुए बोला, ये कन्या तुम्हारे दामा दुष्य भाने की संतान है, इसलिए तुम इसका लालन पालन करो। तो मुखरा जो है, हम चर्चा करेंगे मुखरा के बारे में, तो मुखरा जो है ये राधा रानी की नानी, दादी जो है पिता की माँ, नानी जो है माँ की माँ। तो इस प्रकार जो है उसी दिन से वह कन्या उषभानु नंदिनी राधा नाम से सुख्यात हो गई। तो पूर्णमासी ने पूतना से और 6 कन्याओं का उद्धार किया, ने बचा लिया, ललिता, विशाखा, पद्मा, भद्रा, शैल्या, शैव्या और श्यामला, वैसे और 6 कन्याओं का उद्धार उन्होंने कर लिया। तो इसी प्रकार श्रीमती राधा रानी और चंद्रावली अपने नित्य सहचरी सखियों के साथ पृथ्वी पर आरोहित हुई। तो देवर्षि नारद ये संवाद जो है पूर्णमासी को बता दिए। तो ये जो है एक कहानी जो है वो हमने देखा। अभी दूसरा देखेंगे, वो छोटा सा है। एक बार महाराज ऋषभानु जो है वो यमुना जल में निम्नजित होकर जो है भगवान का ध्यान कर रहे थे। धनीला आप देखे होंगे, जब नदी में कोई भक्त जाते हैं तो जाने के बाद जो है हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, वही गंगा जल या यमुना जल जो है भगवान को अर्पण करते हैं, जो ब्राह्मण दीक्षित हैं वो पानी में गायत्री करते हैं। तो उसी समय अचानक एक 1000 पंखुड़ी वाला कमल पुष्प तैरता हुआ उनकी ओर आ गया। तो कमल के कितने पंखुड़ी होते हैं आपने देखा होगा ना, यहाँ पर अपने कुंडा कुंड में देखा नहीं, खिला था लास्ट सैटरडे खिला था, ठीक है। तो कई 8 होते हैं, नारद मुनि ने कितने पंखुड़ी वाला लेके आए थे कंस के पास, 8। तो यहाँ पर कितने पंखुड़ी वाला है, 1000 पंखुड़ी वाला, 10000 पंखुड़ी वाला भी कमल पुष्प है, सोचिए कितना बड़ा रहेगा। वैसे कई हजारों पंखुड़ी वाला भी कमल पुष्प होता था, यहाँ पर 1000 पंखुड़ी वाला कमल पुष्प तैरते तैरते जो है उनको शरीर को स्पर्श किया। वो ध्यान कर रहे थे, गायत्री कर रहे होंगे, और आकर उनके जो है अंग को स्पर्श किया। स्पर्श किया, जब उन्होंने अपने नेत्र खोले तो देखा कि उसमें इस कमल के बीच में एक पिघले हुए सोने के समान जो कलर है, उस कलर की एक शिशु जो है उसके अंदर है। और चूंकि जो राजा है उनको कोई संतान नहीं थी, हमने देखा कैसे जो ऋषभानु महाराज बरसाना से रावल आ गए, और जो नंद महाराज नंदगांव से गोकुल आ गए, क्योंकि उनको पुत्र नहीं हो रहे थे, उनको संतान नहीं हो रही थी। तो उन्होंने सोचा कि चलो हम यमुना के पास जाते हैं तो हमें तो संतान प्राप्त हो जाए यमुना की कृपा से, गोवर्धन की कृपा से, इसलिए वे जो है वहां पर आ गए थे। तो फिर जो है इस कन्या को महल में लेके आए, और कीर्तिदा जो उनकी पत्नी है तो उनको सौंप दिए। तो कीर्तिदा जो है बहुत खुश हो गई, और जैसे ही श्रीमती राधा रानी को पाकर और उनको नित्य माता पिता जो कीर्तिदा है या महाराज ऋषभानु है उनको पृथ्वी पर जो है वो प्राप्त हो गई। तो इसलिए राधा रानी का एक नाम कीर्तिदा सुंदरी नाम भी है, ऋषभानु नंदिनी, कीर्तिदा सुंदरी, तो ऐसे नाम जो है राधा रानी के। तो ये हो गया राधा रानी का प्राकट्य।